नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का आपके खुद के YouTube चैनल सिंह ऑफिशियल द एग्री मास्टर पर जैसा कि साथियों आप जानते हैं हम अपने चैनल पर पशु प्रचर भर्ती 2024 के लिए कई सारी वीडियोज ऑलरेडी डाल चुके हैं और कई सारी वीडियोज़ हम आपके लिए लाने वाले हैं और इसी सिलसिले को हमने आगे जारी रखते हुए यह वीडियो आपके लिए तैयार किया है इस वीडियो में हम बात करेंगे पशुपालन विज्ञान के तथा वेटनरी के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में ये जो प्रश्न हैं वही प्रश्न हैं जो पिछले गत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं यानी कि इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और इनके ये जो प्रश्न हैं इनके एग्जाम में आने के जो चांसेस है ना वो बहुत ही हाई रेट पर हैं यानी प्रायोरिटी बेस पर हैं ये सारे के सारे प्रश्न जैसा कि दोस्तों आप सभी को एक और जानकारी पता होगी ये जो हमारी वैकेंसी थी राजस्थान पशु बचा भर्ती दो के लिए टोटल जो पोस्ट निकाली गई थी 5,934 हजार नौ सौ पोस्ट थी लेकिन साथियों ये जो 5,934 हजार नौ सौ पोस्ट है ना इनके लिए अभी तक टोटल सत्रह लाख फॉर्म फिल किए जा चुके हैं यानी कि टोटल आवेदन जो हुए हैं सत्रह लाख हुए हैं साथियों ये सत्रह लाख का आंकड़ा जो है राजस्थान तथा जो उनके सीमा से लगे हुए राज्य है वहां के अभ्यार्थियों ने मिलकर बनाया है है तो जो आप सभी जानते हैं कि इस जो है ना, इस बार कंपटीशन ना एग्जाम के अंदर बहुत ही हाई रहने वाला है हाई रहने वाला है तो आपको जीतोड़ मेहनत करनी होगी जीतोड़ मेहनत कैसे करोगे इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करके क्योंकि टोटल 45 नंबर का मामला जो है हमारा पार्ट बी में आता है यहाँ हमसे पशुपालन विज्ञान व वेटनरी के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं यानी कि टोटल 45 नंबर का जो प्रश्न है वहां पर सॉरी प्रश्न पत्र है हमारा वहां पर आता है जिनमें हमें पशुपालन विज्ञान व वेटनरी के प्रश्न पूछे जाते हैं अब इन्हीं प्रश्नों को हमें तैयार करना है यहाँ पर क्योंकि जो पार्ट बी है ना हमारा 45 नंबर का है वह 45 नंबर हमारे कंप्लीट हो जाए एकदम 45 में से 45 आ जाए वहाँ पर तो उसके लिए हम यहाँ पर मेहनत कराएंगे आपको और आपके साथ हम भी मेहनत करेंगे तो एक लाइक तो वीडियो को बनता है अगर चैनल पर तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है वीडियो को शेयर कर देना अपने मित्रों के साथ जिन्होंने फॉर्म फिल किया है ठीक अब बात करते हैं प्रश्नों के बारे में तो देखिए थोड़ा देख लेते हैं क्या इश्यू है इश्यू यह है कि प्रश्न संख्या जो है पहली वाली हमारे स्क्रीन पर आ चुकी है देख सकते हैं प्रश्न जो नंबर वन है ना यह हमसे पूछा है दुग्ध परिरक्षक है अब साथियों क्षक का अर्थ हम आपको बता देते हैं पर को अंग्रेजी में कहते हैं प्रिजर्वेटिव यानी जो दूसरी चीजों को बचा कर रखता है, है उनकी रक्षा करता है तो उसे क्या बोलते हैं या प्रिजर्वेटिव अब यहां पूछा लग दुँग्द है दुग्ध प्रिजर्वेटिव मतलब तो वही मिल्क प्रिजर्वेटिव दुग्ध पर यानी कि दुग्ध को बचाकर रखने वाला जो केमिकल है ना पररक्षक है प्रिजर्वेटिव है इन ऑप्शन में से कौन सा है वह बताना है यहां पर दोस्त ऑप्शन ए देख लीजिए बैनजॉइक एसिड है बी पर हाइड्रोजन है एंड सी पर जो है ना सल्फर है और डी पर जो है इनमें से कोई नहीं आई तो देखिए बैनजॉइक एसिड है ना यह एक प्रिजर्वेटिव की तरह करता है अब आप ये, ये तो एसिड है भैया एसिड तो दूध को पहले ही फाड़ देगा ना लेकिन 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 ये जो एसिड है ना उल्टे स्वभाव का है यानी कि अपवाद के रूप में वर्क करता है यहाँ पे इसीलिए इसे प्रिजर्वेटिव की तरह यूज किया जाता है यहाँ यानी दुग्ध को बचाकर रखने के लिए हम एसिड का यूज कर रहे हैं वह एसिड कौन सा है है बेंजोइक एसिड दोस्त तो ऑप्शन इसका करेक्ट है इसके बाद नेक्स्ट है हमारा दूसरा प्रश्न खीस में कैसिन की मात्रा होती है अब भाई देखो खीस कुछ लोग तो जानते होंगे जो पशुपालन विज्ञान यानी कि जिन्होंने में जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ले रखा था एनिमल हस्बेंड्री पढ़ी रखी है तो वो तो जानते ही होंगे भैया लेकिन जिन्होंने एग्रीकल्चर नहीं पढ़ा है उनको यह जानना अनिवार्य है कि खीस आखिर होती क्या है अब देखो आप सभी गांव के मुझे पता है गांव के लोग ही पशु में भरो, भरेंगे भाई शहर वाला तो कोई नहीं है कौन वहां पशुओं की देखभाल करेगा शहर वाला गांव वाले लोग वहां पर मिलेंगे तो आप देखो जानते हैं जब जा हमारा पशु होता है बच्चा पैदा करता है जब ब्याहता है वो जो गाय या भैंस हमारी ब्याती है ब्याने के बाद होता है क्या है कि वह जो मिल्क देती है ना शुरुआत के कुछ चार पांच दिनों तक आखिर

लेकिन इसका जो राइट आंसर है ना फोर पॉइंट टू परसेंट है ऑप्शन बी इसका करेक्ट है दो सॉरी चार दशमलव दो परसेंट जो है कैसिन की मात्रा हमें खीस में देखने को मिलती है इसीलिए बोला जाता है खीस में प्रोटीन सबसे ज्यादा होती है खीस का जो पेपसी है ना जब भी आपकी गाय भैंस ब्याए तो उसके बाद आपको पेवसी जरूर खानी चाहिए क्योंकि यह पेपसी है ना आप जब पनीर खाते हैं ना उससे भी ज्यादा इसमें जो विटामिन प्रोटीन्स होते हैं बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक होती है ये तो आपको जरूर जरूर खानी चाहिए इसके बाद नेक्स्ट हमारा तीसरा प्रश्न भैंस की नस्ल सॉरी तो भैंस की किस नस्ल के दूध में बसा की मात्रा सबसे अधिक होती है यहां पूछ रहा है ऐसी कौन सी नस्ल की भैंस है भाई जिसके दूध में फैट सबसे ज्यादा होती है अब बात करते हैं ऑप्शंस की तो मुर्रा दे रखी है बदावरी दे रखी है जाफराबादी दे रखी है मैसाना दे रखी है लेकिन इसका राइट आंसर रहेगा बदावरी क्योंकि तो बदावरी भैंस जो न, है ना इसके दूध में सबसे ज्यादा फैट पाई जाती है वसा पाई जाती है अब आपको बता रहे हैं जब भी आप बदावरी नस्ल की भैंस का दूध लेकर के डेयरी पे जाओगे उसकी रीडिंग जो है निकलवाओगे ना तो आपको फ़ैट हाई ही मिलेगी महसाना से मुर्रा से जाफराबादी से और भी जितनी हमारी भैंसों की नस्ल हैं हर उनसे आपको फ़ैट जो है ना हाई ही मिलेगी हमारी बदावरी भैंस की और फैट आई होगी तो रेट भी आई होगी दोस्त क्योंकि फैट आई है तो रेट आई है रेट हाई होगा तो अच्छा बोना मतलब दाम आए जो पैसा आएगा वही चीज़ है भाई भदावरी भैंस है ना तो अच्छा खासा इसके दूध में फैट पाई जाती है वसा पाई जाती है तो आप इसे ध्यान रख लीजिएगा भदावरी भैंस फैट के लिए अच्छी है दूध के लिए दूध के जो रेट है ना इसके की बहुत हाई जाती है इसके बाद नेक्स्ट है हमारा दुग्ध के पीलेपन का कारण क्या है भाई यानी दुग्ध के पीलेपन का उत्तरदायी क्या होता है जैसा कि साथियों यह प्रश्न आपको आना चाहिए क्योंकि आप एक प्रश्न तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं क्या पढ़ते आ रहे हैं जब आप कक्षा एक में थे आपने गाय का निबंध याद किया होगा अब उसमें एक लाइन लिखी होगी गाय का रंग सॉरी गाय के दूध का रंग पीला होता है पीला के कारण होता है भैया कैरोटीन के कारण होता है अब वही कैरोटीन है ये क्या है वही कैरोटीन है ये अब दूध चाहे किसी का भी हो भैंस का हो गाय का हो बकरी का हो भेड़ तो का हो भैया पीला होगा तो किसके कारण होगा उसके अंदर एक तत्व पाया जा रहा है कैरोटीन उसी कैरोटीन के कारण क्या होगा दूध का जो रंग है ना पीला होगा तो कैरोटीन के कारण पीला होगा इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट है इसके बाद पांचवा प्रश्न है गाय के दूध का सापेक्ष घनत्व कितना होता है सापेक्ष घनत्व की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे अब देख लीजिए ऑप्शन से रखे हैं 1.028 1.0309 0.9 एंड 2.009 तो ये सारे ऑप्शन से रखे हैं दोस्त अब इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो मैं बता देना है तो इसका करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन ए है यानी कि To है ना घनत्व है किसका घनत्व है हमारे गाय के दूध का भैंस का अलग होता है भाई गाय का अलग होता है बकरी का अलग होता है भेड़ का अलग होता है सभी का अलग अलग है यहाँ गाय की बात की हमने अब छठवा प्रश्न है पशुओं में गला घोटू यानी एक डिसीज है एक रोग है एक बीमारी है जो हमारे पशुओं में होती है जिसके जिसके कारण होता क्या है कि हमारे पशु का जो गला होता है ना वो चौक हो जाता है लॉक हो जाता है मतलब वहीं पर चौक हो जाएगा तो ना तो कुछ खा पाएगा वो ना उसके मुंह से कुछ बाहर जाएगा केवल लार निकलती है उसके मुंह से भाई लार निकलती है ना वो सांस ले पा रहा है तो गले में कुछ अटका हुआ है उसका जो विंड पाइप है फूड पाइप है वह सूज गया है सूजन आ गई है तो भाई उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है जिसके कारण सडन डेथ भी हो जाती है कभी कभी पशु की अब यहाँ हमसे पूछा है कि यह जो रोग है ना बीमारी है किसके कारण फैलती है तो दोस्त यह जो फैलती है ना एक वायरस है सॉरी बैक्टीरिया है हमारा क्या बैक्टीरिया है जिसका नाम है हमारा पास्टरेला मल्टोशीडाडा जो बैक्टीरिया है ना इसके कारण हीमोरेजिक सेप्टीसीमिया स्प्रेड होता है फैलता है तो ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट है दोस्त इसके बाद हमारा नेक्स्ट है सातवां प्रश्न भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है देखिए भाई ऑप्शन इज नगर है पंत नगर है कानपुर है मेरठ है ना तो पंत नगर में है ना कानपुर में है ना मेरठ में है। यह हमारा इज्जत नगर में है दोस्त तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है इसके बाद हमारा आठवां प्रश्न है दुग्ध ज्वर बीमारी है मिल्क फीवर बीमारी है अब बात करते हैं मिल्क फीवर आखिर में होता गया है अब देखो भैया जब हमारी भैंस या गाय ब्याई ब्याने के बाद होता गया है कि अगर हमसे डायरेक्टली जो खुले में बांधे मतलब अपने छाया वाया में नहीं बांधे खुले में बांधी ओपन एरिया में तो जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन है ना टेम्परेचर के कारण उसे फीवर आ जाता है फीवर आ जाता है तो उस फीवर फीवर को आपने कभी कभी गांव में सुना हो ना पस्तूती बन गई भैंस को क्या बनेगी प्रस्तुति वही चीज है ये दुग्ध है ना मिल्क फीवर प्रस्तुति बन जाती है तो किसको बनती है आपने मुर्गी तो भाई दूध देती नहीं है ना मुर्गी को आपने कभी दूध देते हुए नहीं सुना तो दुग्ध फीवर उसे कहाँ से हो जाएगा भाई ऊंट देता है लेकिन ऊंट को यह नहीं होती है क्योंकि हमने अभी तक सुना नहीं है को दुख होता हुआ अभी तक हमने एनिमल हस्बेंडरी पढ़ लिया मैं नहीं पता चला को दुख होता है होता होगा किसी कारणों में तो पता चलेगा आगे रिसर्च जो हमारे साइंटिस्ट हैं रिसर्चर हैं वर्क कर रहे हैं इस इसमें लेकिन भैंस है ना इसको हमने दुख जबर होता हुआ देखा है मिल्क फीवर होता हुआ देखा है पशु बनते हुए देखी है तो भैंस जो है इसका करेक्ट आंसर है इसके बाद नौवा प्रश्न है साधारणतया गाय का गर्भकाल होता है अब साथ ही देखो गाय का काम काल है ना नॉर्मली नाइन मंथ का होता है आप भी जानते हैं तभी तो गाय को माता बोला गया है मंथ का होता है लेकिन मंथ को जब हम डे में कैलकुलेट करेंगे ना तो दो सौ पिछासी प्रश्न है पशुओं में थनैला रोग का कारण क्या होता है अब देख भाई थनैला रोग किसके कारण होता है बता देते हैं आपको ऑप्शन थनैला रोग जो है ना विषाणु जीवाणु माइकोप्लाज्मा अथवा कवक इन तीनों चारों के कारण होता है आहार में खनिजों की कमी के कारण होता है कीट के कारण होता है निमर के कारण होता है भाई आपको बताना है ये रोग है ना थनेला ये किसी के कारण भी हो सकता है ये वाला आहार और खनिज को छोड़कर क्योंकि भाई वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहे हैं वो तो खाने वाली खाने पीने की चीज है ना हाँ उनमें अगर कोई ऐसा कारक है वो डला हुआ है मतलब कोई जीवाणु है तो उसके कारण हो सकती है प्रॉब्लम लेकिन ये जो है ना विषाणु बैक्टीरिया से भी हो सकती है जीवाणु से भी हो सकती है यानी कि विषाणु वायरस से भी हो सकती है और जीवा जीवाणु बैक्टीरिया से भी हो सकती है माइक्रो के थ्रू भी स्प्रेड हो सकती है कवक के थ्रू भी स्प्रेड हो सकती है अब डायरेक्टली ये चीज़ चारों चीजें जो कॉन्टेक्ट में आएंगी हमारे भैंस का जो थन है या गाय का थन है उसके में तो वहां पे थनेला रोग जो है क्रिएट करेंगी तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट रहेगा इसके बाद ग्यारहवा प्रश्न है गाय के दूध में पानी का प्रतिशत होता है अब बात करते हैं गाय का दूध होता है ना उसमें कितने प्रतिशत जो है पानी होता है अब अब आप कहोगे कि भाई अब दो तो हमने दूध निकाला ना गाय का अब हम पानी कैसे आया हमने तो मिलाया नहीं पानी लेकिन उसमें ऑलरेडी पानी होता है ना कोई भी चीज हो पानी से मिलकर ही बनती है जैसे पानी को आपने खुद ही देखा होगा पानी किसी के मतलब किसी 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 की भी तासीर ले लेता है जैसे हम उसमें चीज डालेंगे वैसा ही हो जाता है वो तो तो यहाँ पर जो दूध है ना वो भी पानी से मिलकर ही बना होता है तो यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं 87.26% 70.09% 80% 90% तो इसका राइट आंसर है ना भाई 87.26% है यानी कि 87.26% जो है ना हमारे दूध के अंदर पानी पाया जाता है किसके दूध के अंदर गाय के दूध के अंदर तो ऑप्शन करेक्ट है इसके बाद बारहवा प्रश्न है दूध के पाश्चुरीकरण के लिए उपयुक्त तापमान क्या यानी आपने सुना आगा कि यह पास्राइज मिल्क है कैसा है पास्चराइज है तो उसी पाश्चराइजेशन के लिए कितना टेम्परेचर जो है उपयुक्त माना गया है बढ़िया माना गया भैया तो देख सकते हैं ऑप्शन दे रखे हैं हमें डेढ़ सो फेरानाइट बीस मिनट तक एक सौ तैतालीस फेरानाइट दे रखा है तीस मिनट तक एक सौ साठ फेरानाइट दे रखा है दस मिनट तक और एक सौ चालीस फेरानाइट दे रखा है चालीस मिनट तक अब यहां पर फेरानाइट दे दिया उसने तो आप भी बता दीजिए कितना आंसर रहेगा तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा एक सौ तैतालीस डिग्री फेरानाइट तीस मिनट तक आपको गर्म करना है अपने दूध को तो पॉस्चराइज हो जाएगा भैया इसके बाद हमारा तेरहवा प्रश्न है कार्य करने वाले पशुओं की बधियाकरण की आयु उपयुक्त होती है अब दोस्त बधियाकरण से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी क्या चीज समझ में आ रही होगी कि बधियाकरण जो होता है ना हम लोग करते हैं ज्यादातर जो हमारे सांड होते हैं ना मतलब जो गाय ने बच्चे बछड़ा मतलब बछड़े बच, को जन्म दिया बछिया या बछड़ा बछड़ा हुआ हमारा मेल वाला तो उस मेल को हम बधिया बनाते हैं ऐसे ही हमारा जो बधिया आप चाहे तो भैंस के बना सकते हैं भैंस के बच्चे को भी हमें तो काम कराना ना भाई किसी से भी करा लो लेकिन यह गलत है भाई पशु को भी दर्द होता है पहले जमाने में करते थे लेकिन अभी जैसे जैसे सोच बदलती जा रही है तो आप भी जानते हैं भाई कि जो पशुओं को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए सभी लोग वीगन की तरफ जो है टर्न कर रहे हैं अभी मांस छोड़ रहे हैं ना तो यहाँ पे देख सकते है, दे हैं ऑप्शन रखे हैं डेढ़ से दो वर्ष का तीन वर्ष का चार वर्ष का साढ़े पाँच वर्ष का तो इसका ऑप्शन दो ये है ना डेढ़ से दो वर्ष का ये एकदम करेक्ट है यहाँ पर आप भदियाकरण कर सकते हो अच्छी चीज़ मतलब अच्छा समय है यह भधियाकरण करने का अब बात करेंगे चौदहवें प्रश्न की गाय की प्रमुख नस्ल है अब देख भाई गाय की प्रमुख नस्ल कौन सी है हरियाणवी ये भी गाय की नस्ल है मेवाती भी गाय की नस्ल है साईवाल भी गाय की नस्ल है तो उपयुक्त सभी ये सारी की सारी गाय की प्रमुख नस्ल है जो अभी तक हमने पढ़ रखी है पंद्रहवा प्रश्न है दोस्त पंद्रहवा प्रश्न क्या कहता है अधिक दूध देने वाली भैंस की प्रमुख नस्ल कौन सी है अब देखो अभी हमने क्या पढ़ा था बराबरी जो सबसे ज्यादा फैट आती है ना इसके दूध में इसके दूध में सबसे ज्यादा मजा होती है तो आप वाली जो गाय ना उसे बदावरी, बदावरी, बदावरी से अधिक हम खाना खिलाएंगे लेकिन यहाँ बात करेंगे हम लोग मुर्रा के बारे में पहले तो मुर्रा जो है ना हमारी अगर आप बात करो पर डे पर लीटर के हिसाब में तो कम से कम बीस से तीस लीटर का समथिंग जो है ना दूध दे देती है मुर्रा जो है बीस से तीस प्रति तीस लीटर दिन के हिसाब से इसके बाद बदावरी है हमारी बदावरी जो अभी आठ से दस लीटर दे, दे देती है कोई इश्यू नहीं नेक्स्ट हमारी जाफराबादी जाफराबादी की अगर आप देखोगे दस से पंद्रह लीटर प्रतिदिन के हिसाब से देती है लेकिन ये सारे आंकड़े जो है ना आपके दाना पानी खान पान पर ही डिपेंड करेंगे अगर आप अच्छा खिलाओगे तो अच्छा मिल्क पाओगे अगर अच्छा नहीं खिलाओगे तो भैया मिल्क भी अच्छा नहीं पाओगे सीधी बात यह है तो ऑप्शन ए जो है ना इसका सही है मुर्रा जो है बीस से तीस लीटर दे देती है देन आएगी जाफराबादी फिर आएगी बदावरी हमारी तो फर्स्ट ये है हमारी यहाँ पर इन ऑप्शन के अनुसार बता रहा हूँ मैं भाई ये मैं सोच लेना ना कि मैंने इंटरनेशनल डिसाइड कर दिया कि मुर्रा जो है मतलब जाफराबादी जो है मुर्रा से दूसरे पाती है बदावरी तीसरे पाती है इन ऑप्शन के हिसाब से बता रहा हूँ आप केस करवा दो फंसवा दो मेरे को कोर्ट में का फायदा पहले ही बता देता हूँ गुरु छठवा सॉरी सोलहवा प्रश्न है पशुओं में बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाले रोग हैं भैया मैंने आपको पहले ही बताया था मजे के साथ पढ़ाऊंगा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको बताऊंगा तो इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा शेयर कर दीजिएगा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जिससे वो भी आ जाए मनोरंजन के लिए पढ़ने के लिए प्लस मनोरंजन के लिए जिससे माइंड भी फ्रेश रहेगा आपको प्रश्न भी याद होते रहेंगे अब बात करेंगे हम लोग सोलहवें प्रश्न में क्या कह रहा है, है हमसे तो सोलहवें प्रश्न हमसे पूछा है उसने पशुओं में बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाला रोग है जैसा कि साथियों आपको पता है गला घोटू अभी बात की थी हमने गला गलाघोटू बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है जिसका जो बैक्टीरिया है ना उसका नाम है पाश्चुरेल पाश्चुरेला ये जो बैक्टीरिया है ना इसके कारण गला गलाघोटू फैलता है अब निमोनिया ये भी बैक्टीरिया के थ्रू थनेला भी बैक्टीरिया के थ्रू हो जाता है तो उपयुक्त सभी है ना ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है दोस्त लगा दो आंख बंद करके इसके बाद हमारा सत्रहवा प्रश्न है पशुओं के चयन की विधि है अब देखो

पूरा करता है यानी कि सारे सारी चीजों को पूरा कर रहा है, कर रहा रहा है है फुलफिलमेंट सारी सारी चीजों का जो एक पशु को चाहिए भैया तो उस भोजन को हम क्या बोलेंगे संतुलित भोजन कहेंगे जीवन निर्वाह भोजन कहेंगे उत्पादन भोजन कहेंगे अब देखो भैया उत्पादन के लिए उत्पादन भोजन हो गया जीवन निर्वाह के लिए जीवन निर्वाह हो गया और संतुलित भोजन जो है भाई साहब से आप दोनों को लगा दीजिए क्योंकि मैं संतुलित देंगे तो अच्छी हेल्थ वेल्थ बनी रहेगी उसकी सभी आवश्यकताएं जो है पूरी होती रहेंगी तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा मतलब डी नहीं है आप एक मिनट रुकी है डी नहीं मतलब सारे के सारे भोजन उसे चाहिए चाहिए लेकिन आप संतुलित देंगे सारी चीजें उसमें मिक्स होंगी तो भाई देखो उसका जीवन निर्वाह भी हो जाएगा उत्पादन भी बढ़ेगा तो उसका एकदम जो करेक्ट आंसर रहेगा ना ऑप्शन ए ज्यादा सुटेबल लग रहा है क्योंकि देखो ये संतुलित दे, दोगे ना आप उसे खाना संतुलित खाना खिलाओगे तो सी, सिंपल सी बात है भाई संतुलित भोजन मिल रहा है किसी व्यक्ति को तो वह उसके जीवन निर्वाह के लिए वो अच्छा है उसको उत्पादन क्षमता भी अच्छी देगा सारी सारी जो आवश्यकता है ना उसकी नीड जो है ना पूरी होती रहेंगी तो जीवन निर्वाह और उत्पादक ये तो तो दोनों इसी में आ गए ना फिर ऑप्शन तो ए इसका करेक्ट है दोस्त इसके बाद प्रश्न है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है ऑप्शन ए करनाल है बी पंजाब है कल्याणपुर कानपुर है उपयुक्त में से कोई नहीं है दोस्त ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं तो ये जो है ना हमारा जो करनाल है ना यहाँ पर स्थित है दोस्त करनाल में हमारा आई

इसके बाद 21वां प्रश्न है केंद्रीय बकरी शोध संस्थान यानी CIRG स्थित है कहां है केंद्रीय बकरी शोध संस्थान मखदूम में हिसार में बेंगलोर में भोपाल में ऑप्शन जो दे रखे हैं मैंने आपको बता दिए हैं इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा मखदूम रहेगा दोस्त मखदूम कहीं आपने देखा होगा मखदूम लिखा है का की जगह खा लिखा है कहीं का लिखा है तो मखदूम है वो मखदूम तो ऑप्शन इसका करेक्ट है इसके बाद प्रश्न है पशु आहार जिसमें अठारह से अधिक कच्चा रेशा यानी क्रूड फाइबर पाया जाता है उसे क्या कहते हैं अब देखो दे रखे हैं सॉरी बी ऑप्शन है कंसनट्रेटेड नहीं है कंसंट्रेट है भाई गलत पढ़ दिया मैंने थोड़ा सा इसके बाद बी है हमारा आहार पूरक फीड सप्लीमेंट सी हमारा चार आ रफे बोलते हैं डी है हमारा खनिज अब देखो भाई क्रूड फाइवर फाइबर कहा मिलेगा इसमें तो मिलते मिलने से रहा ना आहार पूरक में मिलेगा भाई आहार पूरक तो सप्लीमेंट ऑलरेडी है प्रोटीन का सप्लीमेंट दे रहे हैं कैल्शियम का सप्लीमेंट दे रहे हैं तो वो अगर हम उसे अलग से देना फाइबर सप्लीमेंट तो हो सकता है तो हो सकता है लेकिन यहाँ तो अलग अलग चीज़ें आ रही हैं लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं ऐसे कौन सा पशु आहार है जिसमें अठारह से अधिक होता है और यहाँ तो पूरा हो रहा है ना अगर अलग से देंगे तो यहाँ तो पूरा पूरा नाइन्टी टू हंड्रेड मिल रहा है ना नाइन्टी से नाइन्टी मिल रहा है तो ये तो इसमें अकाउंट होगा ही नहीं अब देखो जी एच टी है यहाँ पर खनिज है खनिज भी अलग से दो गए आप तो इसमें कहाँ से आपका आ अठारह परसेंट वाला मैटर तो चारा है ना रफेज बोलते हैं हम लोग अगर आप चारा खिलाओगे तो चारे में अठारह परसेंट तक आपको जो क्रूड फाइबर है वो मिलता रहता है कोई इश्यू नहीं है उसमें इसके बाद तेईसवा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ मानक सॉरी खाद्य मानक है पदार्थ नहीं है संपूर्ण पाचक तत्व व पाचक क्रूड प्रोटीन प्राप्त ऊर्जा कैल्शियम फास्फोरस तथा तो कैरोटीन पर आधारित है तो देखिए 23वां प्रश्न है ऑप्शंस दे रखे हैं मॉरिसन का मानक कोहन का मानक आई आरस वाई का मानक और थियर का मानक अब बात करते हैं इसके सही उत्तर के बारे में तो इसका सही उत्तर है मॉरिसन का मानक जो मॉरिसन है ना एक वैज्ञानिक थे हमारे उनके अनुसार ही है मॉरिसन का मानक नाम पड़ा है इसका तो मॉरिसन मा, का मानक जो है ना इसका करेक्ट आंसर है तो तेईसवे का आंसर क्या रहेगा मॉरिसन का मानक इसके बाद बात करेंगे हम लोग चौबीसवे प्रश्न की यहां कह रहा है हमसे दूध में स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया होता है गुरु इसके द्वारा लैक्टिक अम्ल जो है पैदा किया जाता है यानी लैक्टिक एसिड जो है ना दूध दूध जो है हमने जमाया उसके अंदर दही बना दही जो होता है उसके अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है वही लैक्टिक एसिड जो है ना स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस नामक बैक्टीरिया के थ्रू बनता है तो यह बनता है लेकिन यह कितने परसेंट बनता है यह हमसे पूछा है तो देखिए जीरो पॉइंट सिक्स परसेंट ऑप्शन ए है हमारा डेढ़ परसेंट हमारा सी ऑप्शन है दो परसेंट हमारा डी ऑप्शन है इसमें बात करेंगे हम लोग आंसर के बारे में इसका सही आंसर क्या रहेगा तो इसका रहेगा जीरो पॉइंट सिक्स परसेंट जो है हमारा लैक्टिक एसिड जो है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस नामक बैक्टीरिया के द्वारा दूध के अंदर हमारा बनाया जाता है इसके बाद हमारा पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध क्रैक करने का ढंग सबसे अच्छा है निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध क्रय करने का ढंग सबसे अच्छा है तो देखिए आयतन के भार के सॉरी आयतन के अनुसार मतलब हमारा कोई देख एक ग्लास है या कोई बर्तन है उसका आयतन है उसके अनुसार आप कर सकते हैं क्रय कर सकते हैं ना उसे भारत का अनुसार तो दोस्तों भारत के अनुसार मतलब भारत में किस नुसार, किस हिसाब से कहते हैं हम लोग उस हिसाब से दुग्ध की बसा मात्रा के अनुसार नेक्स्ट है हमारा

मतलब जो मात्रा उसमें बची हुई है कोई और जो पदार्थ है उसमें प्रेजेंट है उसके अनुसार भी वो चेक कर रहा है तो यह एकदम करेक्ट ऑप्शन है दोस्त डी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा सारे के सारे मापदंड यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं तो यह क्रय करने का सारे सबसे उचित ढंग या तरीका है किस चीज का दूध का इसके बाद बात करेंगे हम लोग अगले प्रश्नों के बारे में जिसमें छब्बीसवा प्रश्न रहेगा यहां पर हमने आधे प्रश्न जो है कंप्लीट कर लिए हैं तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ लाइक भी कर दीजिए जिससे हमको मोटिवेशन फील होता है मोटिवेशन मिलता है अभी बात करेंगे हम लोग अगले प्रश्न के बारे में यहां देख लीजिए छब्बीसवा प्रश्न है एक हॉलिस्टीन फ्रीजियन शंकर नस्ल की गाय है हमारी पंद्रह लीटर दूध दे रही है पंद्रह प्रतिशत वाले उत्पादन आहार की उसे कितनी आवश्यकता होगी अब देखिए दोस्त कैलकुलेट कीजिए मैथ वाले हो आप तो मैं तो बायो से था तो मेरी बस की तो बात नहीं है लेकिन इसका आंसर मैं बता दूंगा लेकिन पहले आप कैलकुलेट कीजिए कर लीजिएगा कैलकुलेट कैसे करना है आप खुद देखिएगा इसका आंसर तो लेकिन इसका जो राइट आंसर है ना भाई इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी पांच किलोग्राम आपको जो आहार है उसे देना होगा तभी आप जो है पंद्रह लीटर दूध ले पाओगे नहीं तो उसकी जो संख्या है ना लीटर की डाउन होती जाएगी तो दोस्तों देखिए अब है सत्ताईसवे नंबर का प्रश्न यहां कह रहा है हमसे कप परीक्षण किस बीमारी में किया जाता है अब देखिए स्ट्रीप कप का परीक्षण कर रहे हैं भैया कप का परीक्षण हम गले पर तो लगा के करेंगे नहीं भी पूछ पे लगा के तो करेंगे नहीं ना कान पर लगा के करेंगे कहा करेंगे ये होता है गाय का अड़र अड़र पे होते हैं टीट से यानी थन उन थे तो हम कप लगाएंगे भैया तो कहा हो गया थनेला रोक के मतलब चेक करने के लिए रोग तो नहीं है से, तो इसी के लिए हम क्या करते हैं स्ट्रिप परीक्षण करते हैं गले पे तो, ना लगा नहीं सरे, दुख में तो लगा नहीं सर में तो 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 जांच करेंगे तो जवाब दे रहा हूँ मनोरंजन के साथ पढ़ा रहा हूँ आपको तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है भाई आपसे बार बार नहीं बोलूंगा अब बोल दिया लास्ट में बोलूंगा बीच में कुछ नहीं डिस्टर्ब करूंगा अब मैं पढ़ाऊंगा आपको अट्ठाईसवाय मक्खन में सुगंध

किस तापमान पर ठंडा एवं भंडारित किया जा सकता है यानी कि प्रशितन इकाई के बारे में बताना है जहां पर हम दूध को कितने तापमान पर ठंडा करें और उसे आसानी से अच्छे तरीके से स्टोर कर सकें तो देखिए ऑप्शन चार से पांच डिग्री आठ से दस डिग्री दस से बारह डिग्री बारह से पंद्रह डिग्री ठीक उन्तीसवा प्रश्न है इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन ए रहेगा चार से पांच डिग्री आपको प्रशितन इकाई में दूध को मतलब जो है ठंडा करना है किस कितनी डिग्री पर चार से पांच डिग्री टेम्परेचर पर ठंडा कीजिए उसके बाद स्टोर कर सकते हो गर्म करने के बाद ठंडा थर्टीन नंबर का प्रश्न है दोस्तों यार तीस प्रश्न यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे दूध के माध्यम से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारी रोग मैस्टाइटस आपने सुना होगा थनेला रोग आपने

किस लिए की जाती है भाई चारे के तिनकों को अलग करने के लिए किलनियों को अलग करने मतलब आप समझ रहे होंगे कलीली कलीली गांव में बोलते हैं कीड़ा जो पशुओं एक होता है ना जो पशुओं के शरीर पर रहता है और उनके ब्लड को सक करता रहता है वही किलनिया है। तो उसको रिमूव करने के लिए स्वच्छ रखने के लिए रक्त का संचार जो है संचार है ना उसे कम करने के लिए कम काहे करेंगे गुरु का जरूरत है ना कम करने की बताओ स्वच्छ रखने के लिए दोस्त यहाँ पर हम उसे स्वच्छ रख रहे हैं साफ सुथरा रख रहे हैं कोई वगैरह कीचड़ वगैरह लगी हुई है हमें कितने पीपीएम में करें जिससे हमारे सारे के सारे कीटाणु जो हैं डाई हो जाए डाई हो जाएं हमारे पशुओं का जो बाड़ा है ना जहां हम दूध निकालते हैं पशु का अपनी गाय का अपनी भैंस का तो वही वही बाड़ा वही फर्ज उसकी सफाई किस कितने प्रतिशत हमें जो क्लोरीन है ना उसके घोल से करनी चाहिए तो देखिए ऑप्शन है सौ पीपीएम दो सौ पीपीएम चार सौ पीपीएम पाँच सौ पीपीएम लेकिन इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 200 पीपीएम आपको यूज करना है क्लोरीन का घोल क्लोरीन मतलब आपको पानी लेना है उसमें 200 पीपीएम क्लोरीन ऐड कर लेनी है जितना पानी ले रहे हो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा और आपका जो दहाई वाड़ा है ना उसे क्लीन कीजिए आराम से साफ कीजिए सारे के सारे जो कीटाणु है ना आपके खत्म हो जाएंगे इसके बाद नेक्स्ट हमारा तेतीसवा प्रश्न दोहाई से पूर्व अयन को पहुंचने के लिए अयन वही थन बोलते हैं अंग्रेजी में अयन या जो हमारा एन आप उससे ही बोल सकते हो कि जो अडर होता है ना अयन मतलब जो ही बोलते हैं एधरी होती है उसको साफ करने के लिए हम लोग हाइपोक्लोराइट एक केमिकल होता है जैसे ब्लीचिंग पाउडर भी बोल देते हैं कैल्सियम हाइपोक्लोराइड होता है ना उसके घोल का प्रयोग करते हैं तो उसके घोल का प्रयोग हम कितनी मात्रा में करते हैं वो बताना है यहाँ पे पचास पीपीएम में सौ पीपीएम में दो सौ पीपीएम में पांच सौ पीपीएम में ऑप्शन रखे हैं सारे के सारे मैंने बता दिए आपको लेकिन इसमें जो करते हैं हम लोग पाँच सौ पीपीएम का यूज करते हैं दोस्त इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप चौंतीसवें नंबर का प्रश्न डेयरी पशुओं का उत्पादक जीवन होता है डेयरी पशु जो होते हैं उनका उत्पादक जीवन हमें बताना है तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा क्या था डेयरी पशुओं का उत्पादक जीवन अब देखिए उनका जीवन यानी लाइफ साइकिल कितनी होती है ये हमें बतानी है तो लाइफ साइकिल बता दीजिए कितनी होती है देखिए ऑप्शन से रखें दस वर्ष बारह वर्ष चौदह वर्ष पंद्रह वर्ष इसका राइट आंसर रहेगा ना ऑप्शन बी रहेगा बारह वर्ष लगभग जो है हमारे डेयरी पशुओं में जो पशु हम पालते हैं गाय भैंस जो भी है डेयरी में हम यूज कर रहे हैं उनका उत्पादक जीवन यानी कि सही दूध देने के मतलब जो दूध देंगे वो उसका उत्पादक जो जीवन रहेगा ना दूध देने की अच्छी क्वालिटी आप कब तक मतलब दूध ले सकते हो अच्छा दूध ले सकते हो ज्यादा मात्रा में ले सकते हो तो बारह साल तक ले सकते हो यही पूछा था हमसे यहाँ पे इसके बाद पैंतीसवा प्रश्न है संकर नस्ल की बछिया की प्रथम व्यांत की आयु सामान्यतः होती है यानी प्रथम व्यांत की जो आयु है ना एक हाइब्रिड नस्ल की कोई बछिया है हमारी गाय है संकर नस्ल वाली है तो उसके प्रथम व्यांत की आयु कितनी होती है यानी प्रथम बार वो कितने एज पर अपने बच्चे को जन्म देगी तो इसका राइट आंसर रहेगा देखिए ऑप्शन रखे बीस माह चौबीस माह बत्तीस माह छत्तीस माह तो देख लीजिए आप बता दीजिए अगर आपको आता है तो तो इसका मैं आपको बता दूं दो साल से अवग होनी चाहिए दो ढाई साल से अवग होनी चाहिए तो आप जैसे तीन ईयर के समथिंग भी कर सकते हैं लेकिन इसका राइटर जो रहेगा ना बत्तीस माह रहता है वैसे एवरेज में अगर कैलकुलेट करोगे तो बत्तीस माह रहता है तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है उस। इसके बाद हम बात करेंगे छत्तीसवें प्रश्न की अन्वशिकीय वर्ण सिलेक्शन का प्रयोग सामान्यतः कहाँ किया जाता है साथ ही देखिए हमारी एनर्जी थोड़ी डाउन होती जा रही है अगर आप लाइक करोगे ना तो हम एनर्जी को बरकरार रहेंगे रखेंगे तो अभी लाइक कीजिए शेयर कीजिए सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ में जिससे वो भी आकर के इस वीडियो को वॉच करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें जिससे हम और ज़्यादा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कर पाएं ये जो स्टडी मटेरियल है ना आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का नाम यही है लेकिन डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है डायरेक्टली पहुंच जाओगे लोगो यह लगा हुआ है जाकर के ज्वाइन कर लीजिए पीडीएफ आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी और आंसर की भी इसकी हम आप अपलोड कर देंगे जिससे आपको इधर उधर तो भटकना नहीं पड़ेगा आंसर के लिए ठीक मिल जाएगा जो सारी चीजें ना मिल जाएंगे टेंशन मत लीजिएगा क्योंकि मैं हूं टेंशन नहीं फ्री टेंशन फ्री रहिए कोई इश्यू नहीं है ठीक अब देखिए ऑप्शन ऑप्शन दो दुधारू गाय के चयन में शुस्थ गाय के चरण चयन में बछियों के चयन में सांड के चयन में अब जीरो टाइप सेलेक्शन हम कहाँ करेंगे भैया सिलेक्शन हम करेंगे दूध अच्छा दे हमारी पशु जो है हमारी गाय है दूध अच्छा दे तो उसके लिए ही तो करेंगे भाई तो ऑप्शन डी ए इसका करेक्ट है इसके बाद 37वां प्रश्न है गाय में गर्वाशय ग्रीवा सर्विक्स जो होती है ना उसकी लंबाई कितनी होती है ये पूछिए भाई दोस्त आप में से कभी कोई किसी डॉक्टर के साथ रहा हो किसी ने भी, कभी भी कोई सेशन ऐसा ज्वाइन किया हो जिसमें उसने देखा हो फील किया हो गाय के गाय के गर्भाशय की जो गिरवा है उस लंबाई को तो आप उस, उसका जो लंबाई है ना कमेंट में बता दीजिए क्योंकि हमने तो कभी नहीं किया है अभी ठीक ऑप्शन तो दे रखे हैं चार सेंटीमीटर छह सेंटीमीटर दस सेंटीमीटर पंद्रह सेंटीमीटर लेकिन इसका आंसर हम आपको बता देंगे टेंशन फ्री रहिए सेंटीमीटर के समथिंग होती होती है होती है ना उसकी लंबाई तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है इसके बाद अड़तीसवा प्रश्न है विश्व में महीन ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल है बहुत महीन छोटी ऊन पतली ऊन कौन सी भेड़ से हमें प्राप्त होती है विश्व में बताना है हमें रैम बुलेट नस्ल से या साउथ डाउन नस्ल की भेड़ से लिंकन नाम की मस, जो नाम की नस्ल है ना भेड़ की इससे या मैरनो से तो दोस्तों देखिए इसकी जो सही आंसर रहेगा ना लिंकन नाम की जो भेड़ है ना इसकी जो ऊन होती है बहुत ही महीन होती है इसके बाद उनतालीसवें नंबर का प्रश्न है भैंस जो है हमारी ऐसी कौन सी भैंस है जिसकी जो हसी जो सॉरी गड़बड़ हो रही है थोड़ी सी दोबारा पढ़ते हैं प्रश्न को भैंस की किस नस्ल में हसिया के आकार यानी कि सिकल से बड़ दराती होती है ना हसिया या दराती उसके आकार के सींग होते हैं एवं चपटे होते हैं उसी के आकार के होते हैं हसी जैसे आकार के टेढ़े तो ऐसी कौन सी भैंस है हमारी उसके होते हैं तो ये हमें बताना है ऑप्शन ए है मुर्रा बी सूरती है सी जाफराबादी है डी नीली है तो इसका राइट आंसर जो रहेगा दोस्त जाफराबादी रहेगा जाफराबादी को हम मिली एलिफेंट भी बोलते हैं भैया सुना तो होगा आपने कभी कभी ना कभी तो चालीस नंबर का प्रश्न हमारा औसत है भाई किसी ने चेक किया, तो बता नहीं किया तो मैं बता देता हूं इसका होता है सिक्स पॉइंट एट परसेंट सॉरी एट परसेंटेज में कुछ नहीं होता यूनिट पीएच होता है ठीक सिक्स पॉइंट एट पीएच होता है किसका पीएच होता है साढ़ के वीर का कैसा होता है थोड़ा सा एसिडिक होता है चेक नहीं किया कभी भी ना करना भूल गए गलत है इसके बाद 41वां नंबर का प्रश्न है हमारा ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है भाई देखो ऑपरेशन फ्लड है ना किससे संबंधित है फ्लड कंट्रोल से भूषण को रोकने से दुग्ध उत्पादन से न्यूक्लियर वार फियर कंट्रोल से अब ब्रो एक चीज और ध्यान दीजिए क्या पढ़ रहे हैं हम यहां पे एनिमल हज़लैंडरी या वेटरनरी तो हम किस चीज के बारे में अध्ययन कर रहे हैं भैंसों के बारे में गायों के बारे में बकरी भेड़ और दूध के बारे में तो किससे रिलेटेड है दूध से रिलेटेड ऑपरेशन फ्लड मिल्क से रिलेटेड मिल्क प्रोडक्शन दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है इसके बाद बयालीसवें नंबर का प्रश्न है वैक्सीन में ऐसा क्या होता है क्या विद्यमान होता है ना जिसके कारण आप वैक्सीन जब भी लगाते हैं तो आपके पशु की किसी भी बीमारी से रक्षा हो जाती है जिसके लिए आप लगा रहे हैं वैक्सीन जैसे कि आपने वैक्सीन लगाई एफ के लिए फुट एंड माउथ डिसीज से रोकने के लिए तो प्रिवेंट हो जाती है जैसे कोरोना की वैक्सीन लगी तो उसमें ऐसा था क्या एंटीबॉडीज थे एंटी ड्यूटिन थी या एंटीजन था या सभी थे क्या था उसमें ऐसा ये हमें बताना है यहाँ पे तो जल्दी से जल्दी कमेंट में बताइए क्योंकि कोरोना में वैक्सीन सभी को लगी है तो आपको बताना तो होगा भाई तभी मैं आगे बढ़ूंगा जब आप कमेंट कर दोगे तभी आगे बढ़ूंगा मैं तो साथियों इसमें होता है हमारा एंटीजन एंटीजन होता है ऑप्शन सी इसका करेक्ट है यही हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है चाहे भैंस की हो चाहे गाय की हो या इंसान की हो इसके बाद तैतालीसवा प्रश्न है खच्चर म्यूल आपने सुना होगा कभी ना कभी खच्चर किसका किस चीज़ का क्रॉस है हाइब्रिड है वो संकर मतलब संकर भी बोल सकते हो एक तरीके से हाइब्रिड है वो क्रॉस नस्ल है एक तो किस चीज से मिलकर बनी है घोड़ी तथा गधा से या घोड़ी घोड़ा से तो घोड़ी घोड़ा से बनेगी तो ये घोड़ा ही तो होगा गधी गधा से बनेगी तो गधा आएगा ना तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है ब्रो कॉमन सेंस वाली चीजें लगा करके आप आंसर निकाल सकते हो टेंशन फ्री रहिए एकदम माइंड को रिलैक्स रखिए और प्रश्न जो है हमारा उसके बारे में थोड़ा सा सोचिए थिंक कीजिए उसके बारे में थॉट प्रोसेस को बढ़ाइए अपनी को थोड़ा सा सोचिए आंसर आपके दिमाग में ही बैठा रहता है कहीं नहीं जाता इसके बाद हमारा चवालीसवें नंबर का प्रश्न है कैल्शियम की अधिकतम मात्रा किस चीज में पाई जाती है मिल्क में मिलती है दूध में मक्खन में या सेब में या पनीर में ऑप्शन डी पनीर है ब्रो कहाँ कैल्शियम हमें सबसे अच्छा मिलेगा बता दीजिए जल्दी तो देखिए भाई मिल्क बटर सेब वो हटाइए यहाँ से सेब हमारे ऑप्शन में फिट नहीं बैठता दूध है मक्खन है पनीर है ये तीनों चीज़ जो सॉरी दोनों चीज़ जो है दूध से बनी हुई है कहाँ से बनी है दूध से तो दूध में भी कैल्शियम था बटर में भी कैल्शियम था लेकिन पनीर में थोड़ा ज़्यादा होता है कैल्शियम इसीलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट है क्योंकि पनीर में आप जानते हैं दूध को फाड़ करके बनाया जाता है उसे फिर जमाया जाता है जब जाके पनीर तैयार होता है तो बड़ी प्रो, लंबी प्रोसेस है इसमें इसके बाद पैंतालीसवें नंबर का प्रश्न है भारत में अंतिम पशु गणना कैटल सेंसस हुई थी दोस्तों तो कब हुई थी अंतिम गणना ये बताना है 1977 में बयासी में सतासी में या तिरानवे में तो इसका राइट आंसर रहेगा सन उन्नीस सौ तिरानवे में थ्री में सबसे लास्ट जो पशु गणना की गई थी वह हुई थी कैटल सेंसस बोलते हैं ना इसके बाद हमारा छियालीसवे नंबर का प्रश्न है गो दोहन के लिए उपयुक्त विधि है गो दोहन आप समझ गए होंगे दूध निकालना गाय का दूध निकालना तो भैया उस दूध के लिए मतलब दोहन के लिए गाय के दूध के दोहन के लिए दूध दोहन के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है मुठ्ठी विधि चुटकी विधि मुट्ठी विधि में आप अंगूठे का भी प्रयोग मतलब जो अंगूठा का प्रयोग नहीं करोगे अंगूठे को बाहर निकाल करके आप जो थने गाय का उसे प्रेस करोगे ठीक चुटकी विधि में आप जानते हो दो उंगलियों का यूज करोगे अंगूठे का और अंगूठे के बगल वाली उंगली का और अंगूठे वाली विधि में आप अंगूठे को भी अंदर रखोगे और उंगलियों को भी रखोगे सभी से प्रेस करोगे लेकिन ये तरीका है ना गलत गलत है बहुत गलत है क्यों गलत है भैया आप भी जानते हैं गलत क्यों है ये अंगूठा है ना हमारा ये गाय के जो थन होता है ना उसके टिश्यू होते हैं ना उन्हें बहुत डैमेज करता है तो ये बिल्कुल गलत है हमने अवॉइड कर दिया इसे चुटकी विधि से आप जो दूध निकालते हैं ना उन पशुओं का निकालते हैं जिनके थन जो होते हैं छोटे होते हैं या प्रथम ब्यांत वाली जितनी गाय भैंस है हमारी उनके क्योंकि उनके थन छोटे होते हैं भैया पहली ब्यात है उनकी तो बहुत छोटे हैं तो उसमें हम चुटकी यूज कर सकते हैं लेकिन मुठ्ठी विधि जो है सर्वोत्तम जो विधि है मानी गई है तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट रहेगा इसके बाद हमारा सैतालीसवें नंबर का प्रश्न है साइलेज बनाने के लिए उपयुक्त तो फसल है तो देखिए बरसीम है मक्का है बाजरा है और यहाँ पर नेपियर घास है हमारी नेपियर घास जिसे हाथी घास भी बोलते है। तो हैं तो ये चार ऑप्शन है जिनमें से कौन सी ऐसी फसल है जिसकी हम सर्वोत्तम एकदम बढ़िया वाली साइलेज बना सकते हैं साइलेज आप जानते ही है कोई भी मतलब आप जो फॉर्डर है उसे लीजिए काटिए उसे चॉप करने के बाद आप उसे स्टोर कीजिए स्टोर करने के बाद आपको उसमें फर्मेंटेशन करना होता है आपको ये प्रोसेस आप देख सकते हैं यूट्यूब पर कई सारी वीडियो आपको मिल जाएगी स्लेज बनाने से रिलेटेड करना कुछ नहीं होता है गड्ढा लेते हैं तरपाल वगैरह बचाते हैं तरपाल वगैरह बचाने के बाद उसमें चारा वो डालते हैं कटा हुआ चारा एकदम कटा हुआ चौब्ड चारा बहुत छोटे छोटे पीसों वाला उसमें फर्मेंटेशन कराते हैं फर्मेंटेशन कराने के बाद आपका जो कुछ महीनों में बनकर स्लेज जो है तैयार हो जाता है तो इसमें होता क्या है कि जो थोड़ा सा न्यूट्रिटिव होता है इसमें ज्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं तो इसी के लिए जो सर्वोत्तम फसल है हमारी जिसका हम बना सकते हैं तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं मक्का का मक्का सर्वोत्तम फसल मानी गई है वैसे तो इसके बाद भैंस है हमारी सॉरी अड़तालीसवा प्रश्न है भैंस ही है कुछ नहीं भैंस ही है ठीक भैंस की कौन सी नस्ल जो है जिसके दूध में सर्वाधिक वसा होती है दोस्तों यह प्रश्न रिपीट हो चुका है वधावरी भैंस हमारी जिसके दूध में सर्वाधिक जो वसा है पाई जाती है और जो प्रश्न है रिपीट हो चुका है अब उनचासवा प्रश्न भैंस में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है तो उसमें दोस्तों आपको पता है पचास होती है कितनी होती है पचास होती है क्या होती है क्रोमोसोम नंबर होते हैं टोटल पचास किसमें भैंस में, में। ध्यान रखिएगा प्रश्न आ सकता है अब दोस्त हमारा लास्ट प्रश्न है ये यह प्रश्न भी हमारा रिपीट हो चुका है लगता है रिपीट हो चुका है आप पढ़कर आए हैं मेरे साथ पढ़कर आए हो तो इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में दीजिए अभी दीजिए तुरंत के तुरंत हम आप तो साथियों कमेंट बॉक्स खुला है दे दीजिएगा बेटेगा मैम आपके में जैसे ही आपका आंसर आएगा लाइक मिलेगा इधर से भी और हर्ड भी मिलेगा इधर से आपको अप्रिसिएट भी किया जाएगा टेंशन फ्री रहिए और कई सारी चीज़ें हैं आपको बताते रहते हैं हम लोग तो ढंग से तैयारी कीजिए बच्चे भर्ती के लिए आपको पता है सत्रह लाख फॉर्म फिल किए गए हैं आवेदन टोटल किए गए हैं इस बार आपको पता है भाई क्या पता है इस बार कंपटीशन हाई है कंपटीशन बहुत हाई है भाई मतलब छः हज़ार से कम पोस्ट है उनके लिए सत्रह लाख फॉर्म भर चुके हैं तो सत्रह लाख फॉर्म भर चुके हैं तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन हाई रहेगा तो ध्यान से अच्छे तरीके से पढ़िएगा और इन जो संख्या मैंने बताई है पोस्ट की टोटल छः हज़ार का समथिंग ही है देखिए अभी बता देते हैं पाँच हजार नौ सौ चौंतीस की समथिंग है ना तो इनमें से आप एक सीट पक्की अपनी कीजिए सीट पक्की जब भी होगी दिल से मेहनत से आप जब भी मेहनत करोगे और तैयारी करोगे अब ऐसा तो नहीं है पशुपालन विज्ञान में 45 प्रश्न जो है आपके मतलब पैंतालीस नंबर का प्रश्न जो प्रश्न पत्र कराओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा नहीं होने वाला आपको और विषयों पर भी अपना जो ध्यान है देना होगा उनकी प्रिपरेशन भी आपको करनी होगी और इसकी भी करते रहिए दोनों की करते रहिएगा जितना भी आपका कंपोनेंट होता है सही से कीजिएगा जिससे आप बेहतर कर पाए अपने एग्जाम में अच्छे खासे नंबर आप प्राप्त कर पाए तो बस इतना ही है और आपके अच्छे रिजल्ट के लिए हम आपकी काम मतलब ईश्वर से कामना करते हैं अच्छा रिज़ल्ट आए आपका जो मैंने प्रश्न बताए इनमें से कई सारे प्रश्न आपके फंसे हैं और कुछ नहीं है महाकाल से इतनी ही अर्जी है महाकाल से इतनी ही अर्जी है कि आपका बेड़ा पार हो जाए आपकी सीट भी इनमें से एक हो आप भी एक सीट के यहाँ पर दावेदार हों बस दिल लगा के मेहनत कीजिएगा और कुछ नहीं है और दिल लगा के मेहनत तो करोगे ही और हमारा भी सपोर्ट कर दो यार सपोर्ट कैसे करोगे शेयर कर दो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ वो भी इस वीडियो को देख लें देख लें क्या होगा हमारा वॉच टाइम बढ़ जाएगा भाई अभी कुछ नहीं अर्निंग हो रही है हमारी अभी केवल वीडियो आपके लिए बना रहे हैं वॉच टाइम कंप्लीट होगा चार चार घंटा जब भी तो अर्निंग होगी आप भी जानते हैं की एनालिटिक्स हैं से आप भी भली बात ही परिचित हैं <coughs> मेरे से ज़्यादा जानते हैं आप लोग क्योंकि एक स्टूडेंट होता है बहुत कुछ जानता है मेरे अंदर बहुत क्यूरसिटी थी यूट्यूब के बारे में जानने की इसीलिए मैंने चैनल स्टार्ट कर दिया पहले भी एक चैनल था चला नहीं बिल्कुल नहीं चला लेकिन ये फिर बनाया मैंने अब फिर से बनाते हैं नया चैनल यूट्यूब पर लाते हैं कुछ नया एग्रीकल्चर के मामले में तो इसीलिए फिर आगे कृषि सलाहकार बन करके आपके तो आपको सपोर्ट करेंगे आपको कई सारी चीज़ों के जहाँ पर वीडियोज़ देखने को मिलेंगे अगर आप क्लास टेंथ के अभ्यर्थी को जानते हो किसी को क्लास टेंथ का स्टूडेंट है तो आप उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सॉरी शेयर कर दीजिएगा क्योंकि देखिए क्लास टेंथ के लिए भी हम बहुत जल्द कोशिश कर रहे हैं कि उनके भी लेक्चर्स अपलोड करें अपने चैनल पर क्लास ट्वेल्थ के भी कराएंगे जो एग्रीकल्चर से है रिलेटेड है हमारे सारे सब्जेक्ट नहीं है केवल एग्रीकल्चर पर ध्यान देंगे भाई क्योंकि एग्रीकल्चर आती है हमें बी एस सी की है हमने ग्रेजुएट एग्रीकल्चर से ही है तो बस कुछ नहीं केवल एग्रीकल्चर मिलेगी बी एस सी के भी लेक्चर्स आपको कई सारे मिलेंगे अभी हमने एंटोमोलॉजी के डाल रखे हैं दो और भी कई सारे लेक्चर्स आएंगे बहुत जल्द क्योंकि अभी मैं अकेला हूँ मैं टीम बूस्ट कर रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ मिलकर के बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको जो लेक्चर्स है ना रेगुलर मिलने लगे वो आप हाँ, जो है सपोर्ट करोगे तभी कुछ हो पाएगा जरूर सपोर्ट कीजिए हमें शेयर करके सब्सक्राइब करके लाइक करके और जैसी आपकी इच्छा मतलब मर्जी है वो तो फिर अपने तो बोल दिया करना या करना, वो नहीं करना तो आपकी अच्छा है भैया क्योंकि आपका मोबाइल है आपकी ईमेल आईडी है आप कुछ भी कर सकते हो अभी सब्सक्राइब कर लो उसके बाद अनसब्सक्राइब कर दो आपकी अच्छा भी कुछ भी कर सकते हो आप तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक लीजिए हैं इन वही लास्ट में फिर से बोलूँगा मन लगा पढ़िए क्योंकि एक सीट आपको भी यहाँ पर कवर करनी है एक सीट आपकी भी है यहाँ पर किसी और को वह सीट नहीं देनी है आपको तैयारी कैसे करोगे दिल लगाकर मन लगाकर एकदम जोश के साथ